राजस्थान के कई शहरों में लाल बम की दहशत, कई घरों में फटा रसोई घर में रखा बम, कई घरों की खुशियां मातम में बदल गई। इस लाल बम से बचकर तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर राजस्थान के झुंझुनू जिले के चिड़ावा इलाके की है। घर में मातम छाया है। तस्वीरें सिर्फ बर्बादी का किस्सा बयान कर रही हैं। यहाँ लाल बम ने आफत मचाई है। ये बम घर के किचन में रखा था और जब तक इंसान कुछ समझ पाता ये मौत बनकर फट पड़ा। चिड़ावा के खुडानिया गांव में सुबह चाय बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। घर में 45 साल की महिला संतोष देवी की मौत हो गई। दो बच्चे समेत चार लोग घायल हो गए। रसोई गैस का सिलेंडर फट गया है, जल्दी से जल्दी मौके पर पहुंचे। वहां पर जाके देखा तो सिलेंडर में भी आग लगी हुई थी। शायद लोगों को बताना है कि वहां पर कोई ज्वलनशील पदार्थ लगा हुआ था। पहले सिलेंडर ने आग पकड़ी, उसके बाद वो ज्वलनशील पदार्थ जल गया था। इस हादसे में चार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, एक 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। रसोई घर में सिलेंडर अकेले इस घर में नहीं फटा। पिछले एक हफ्ते के दौरान राजस्थान के गंगापुर और कोटा में भी इसी तरह घर के किचन में रखे बम ने दहशत फैलाई है। खुशियां पल भर में ही जिंदगी भर के गम में बदल गई हैं। गंगापुर के एक घर में सिलेंडर में अचानक आग लग गई, तो वहीं कोटा के एक घर में सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों ही हादसों में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के इन तीन शहरों की तीन घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज इंडिया न्यूज आपको बताएगा कि किस तरह से आपके घर की रसोई में रखा सिलेंडर एक जिंदा बम की तरह है और किस तरह से आपके अपनों की जिंदगी इस सिलेंडर की वजह से खतरे में आ गई है। दिल्ली से लेकर पटना तक, जयपुर से लेकर जबलपुर तक, घर घर में बजी खतरे की घंटी। राजस्थान के तीन शहरों में घटी तीन घटना ने पूरे देश में खतरे की घंटी बजा दी है। आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपके किचन में रखा सिलेंडर दरअसल एक जिंदा बम है जो कब फट जाए कोई नहीं जानता। अब हम आपको बताते हैं आखिर कैसे फट रहे हैं सिलेंडर और कौन पहुंचा रहा है घर घर में जिंदा बम। दरअसल ऐसी घटनाओं के पीछे सीधे सीधे गैस एजेंसियां जिम्मेदार हैं, जिनकी लापरवाही से एक्सपायर हो चुका सिलेंडर आपके घरों में पहुँचाया जा रहा है। जी हाँ, वो सिलेंडर जिसकी जिंदगी पूरी हो चुकी है लेकिन उसमें एलपीजी भरकर लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये चंडीगढ़ में एक रसोई गैस एजेंसी का गोदाम है। इंडिया न्यूज ने जब यहाँ पड़ताल की तो यहाँ एक नहीं कई सिलेंडर अपनी जिंदगी पूरी कर चुके थे, फिर भी जिंदा बम में तब्दील हो चुके इन सिलेंडरों में गैस भरकर आपके घरों में पहुँचाने की तैयारी है। चंडीगढ़ की बात की करें तो एक्सपीरेशन डेट जो है, अगर बात करें ए बी सी डी और उसके साथ जो साल इस समय चल रहा होता है उसको डिनोट किया जाता है। ए बी सी डी जो है साल के तीन, अगर बात करें जिस तरह से 12 महीने होते हैं तो ए महीने में साल के पहले तीन महीनों को डिनोट किया जाता है। जिस तरह से आपने देखा कि बी 11 यानी कि वो सिलेंडर जो है दो साल पहले ही एक्सपायर हो चुका है।